तो हमारा पहला अपडेट है सोलो लेवलिंग से लेकर। तो सोलो लेवलिंग में राजेश कावा सर ने एक कैरेक्टर को डब किया है जिसका चेहरा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेन कैरेक्टर के बगल में जो है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है। हमारा अगला अपडेट है क्रंची रोल से लेकर। तो एनिमे अवार्ड्स जो कि यार होने वाला है, तो उसमें रश्मिका मंदाना भी यार जाने वाली है वहां पर, जिनका फेवरेट एनिमे है नारुतो शिप्पुडेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपडेट है नारुतो शिप्पुडेन हिंदी डब से लेकर। तो नारुतो के हिंदी वॉइस एक्टर जो है पूजा पंजाबी, उन्होंने यार एक नारुतो फैन को यार ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो फैन बहुत ही ज्यादा यार टॉक्सिक था। इतने टॉक्सिक फैन कहां से आते हैं? तो उस फैन ने पूजा मैम को प्राइवेट में मैसेज किया था इनबॉक्स में, पूजा मैम प्लीज बोल दो नारुतो शिप्पुडेन किस मंथ में आ रहा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मैम आई एम योर बिग फैन, प्लीज मैम बता दो, मैम मैं आपको 1500 रुपए फोन पे करूंगा। मतलब यार ये कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हैं, कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, 1500 रुपए फोन पे करूंगा भाई, ये तो मतलब अजीब ही है। तो पूजा पंजाबी मैम ने ये स्क्रीनशॉट डाला और लिखा, बेशर्मी की सारी हदें पार, लालत है। मतलब सही में यार बेशर्मी की हद पार हो गई, इतना बेशर्म कौन हो सकता है। हमारा अगला अपडेट है द बॉय एंड द हेरोन मूवी से लेकर, जिसने जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एनिमेटेड मूवी का। और ऐसा ये फर्स्ट मूवी है जिसको यार एनिमे अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। हमारा अगला अपडेट है हाईक्यू की मूवी से लेकर, जिसने कमाई किया है 2.23 बिलियन येन का, वो भी अपने फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में, और इसने टिकट सोल्ड किया है 1.52 मिलियन। हमारा अगला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट की मूवी से लेकर, जो कि एक एनिमे फिल्म है जिसने कमाई किया है $41.39 मिलियन का, वो भी 59 डेज में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। हमारा अगला अपडेट है टावर ऑफ गॉड एपिसोड 2 से लेकर, इसके हिंदी डब से लेकर। तो इसके यार हिंदी डब में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि इसका लिप सिंग अच्छा से नहीं किया गया है, कैरेक्टर का पहले मुंह चलता है, आवाज बाद में आती है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल से लेकर। तो क्रंची रोल में यार जितने भी हिंदी डब एनिमे हैं वो सारे आने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो पर, वो भी हिंदी डब के साथ। और वो कौन कौन से होने वाले हैं? जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग, मेटालिक रफ, चैनसो मैन, स्पाइक फैमिली, डेमन स्लेयर, विनलैंड सागा, और भी बहुत सारे बाद में ऐड किए जाएंगे, और ये हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डेमन स्लेयर हसीरा ट्रेनिंग आर्क मूवी से लेकर। तो इसका एडवांस बुकिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है जुजुत्सु काइसेन से लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन के जो पॉपुलर वॉइस एक्टर हैं, जो कि सुकुना के वॉइस एक्टर हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया है सोलो लेवलिंग के कास्ट, मतलब वो सोलो लेवलिंग में भी किसी कैरेक्टर को डब करने वाले हैं। तो चलो आज के अपडेट में सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।